नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके एकमात्र भरोसेमंद सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों, सैन्य कर्मियों, पेंशन भोगियों तथा अन्य सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता जो जनवरी 2019 से मिलने वाला है, उस पर लग गई फाइनल मोहर। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, जनवरी 2019 के लिए महंगाई भत्ता कैलकुलेशन के लिए जुलाई से लेकर दिसंबर तक के अखिल भारतीय उपभोक्ता सूचकांक के सभी आंकड़े प्राप्त हो गए हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा 31 जनवरी 2019 को जो प्रेस रिलीज जारी की है, उसके हिसाब से अखिल भारतीय उपभोक्ता सूचकांक का इस बार का जो सूचकांक रहा है वो एक अंक डिक्रीज हुआ है। इसका मतलब यह है कि महंगाई दर इस महीने घटी है, जो कि पिछले महीने 302 था, अब वो घटकर 301 पर आ गया है। तो इस हिसाब से अब हम डीए कैलकुलेशन शीट में डीए कैलकुलेट करके बताएंगे कि अब आपको कितना डीए मिलेगा जनवरी 2019 से। दोस्तों, जब हम इन आंकड़ों को डीए कैलकुलेशन फॉर्मूला के अंदर रख के कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेशन के बाद ये जब 12 महीने का पूरा इंडेक्स हमने रखने के बाद उस फॉर्मूले में कैलकुलेट किया, तो हमारा जो महंगाई भत्ता है जनवरी से वो बढ़कर हुआ 12%। यानी कि जनवरी से जो आपको महंगाई भत्ता है वो 3% बढ़कर मिलेगा। आपको जुलाई से जो 9% मिल रहा था, अब वो जनवरी से आपको 12% के हिसाब से महंगाई भत्ता दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये था आपका डीए कैलकुलेशन के हिसाब से जनवरी से मिलने वाला महंगाई भत्ता। तो दोस्तों, ये थी हमारे सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए खुशी की खबर। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।